So in evolutionary term, it is referred to as gametic incompatibility. Okay, it is referred to as gametic incompatibility in case of reproductive isolation. Okay, तो इसको हम लोग गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं. मींस जो मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर. ओके, तो इसीलिए अब हम लोग टॉपिक पे चले जाते हैं. इधर एक फोटो डालने का कोशिश करेंगे. क्लास टू रिप्रोडक्शन किधर है. ये देख रहे हो, ये आ गया. सो आर यू एबल टू सी दिस. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, देख रहे हो? तो इसलिए जो फर्टिलाइजिंग है आपके ओवम में एंड स्पर्म का जो एंटी फर्टिलाइजिंग है वो दोनों बाइंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ये लॉकेट की अरेंजमेंट है. क्लियर? तो ये उसका कंसेप्ट है. तो जब आपको नोट मिल जाएगा देख लेना, ठीक है. सो इसीलिए फाइन. तो इसका मतलब क्या है, तो नीदर द ओके सो दस इसमें हम आंसर क्या देंगे. सो द स्पर्म्स हैव ए ग्लाइकोप्रोटीन नोन एज एंटी फर्टिलाइजिंग एंड उधर फर्टिलाइजिंग होता है. ओके, चलो नहीं करते हैं. फाइन, दिस पेयरिंग इज लाइक ए लॉक एंड. फाइन, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इफ द गैमेट्स belong to the same species. Oh, okay. If both the gametes belong to the same species, the fertilizing and anti-fertilizing pairs with each other, comma, hence bringing the what? Hence bringing the sperms close to the ovum. ठीक है, तो ये एक natural सा attraction. Fine. तो जब आप तलाश में जा रहे हो तो ये एक नेचुरल सा अट्रैक्शन है. ओके, तो अगर ये सेम स्पीशीज है तो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग पेयर्स विद ईच अदर, हेंस ब्रिंगिंग द स्पर्म्स क्लोज टू द ओवम. सो दिस कीमो ओके दिस केमिकल अट्रैक्शन इज रेफर्ड टू एज approximation of gametes. Hello? It is the first requirement for fertilization. Okay? तो आप fertilization के लिए pass आना जरूरी है and इसीलिए approximation भी जरूरी है. कोई शक? Is it understood? तो इसीलिए yes. हमने मेल एंड फीमेल को साथ में ले आया. ओके, नाउ प्रॉब्लम इज जो स्पर्म है उसके रास्ते में जो भी आता है अब वो क्या करेगा, पेनिट्रेट ओके करने का कोशिश करेगा, पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम.
ठीक है, तो पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम तो यहां हम लोग जानते हैं दैट द स्पर्म हेड हैज ए लार्ज मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी और उसको हम लाइसोजोम भी कहते हैं. ओके, सो द स्पर्म हेड हैज ए लार्ज मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी या लाइसोजोम. बिकॉज आपको याद है लाइसोजोम इज ऑल्सो ए गॉल्जी बॉडी. समझ में आया? तो लाइसोजोम इज ए मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी. ओके, सो द स्पर्म हेड हैज ए लार्ज मॉडिफाइड गॉल्जी बॉडी और लाइसोजोम नोन एज क्या एक्रोसोम. ओके, इट इज रिच इन फोर टाइप्स. क्या इट इज रिच इन स्पर्म लाइसिंस लिख दो, आपका इतना ज्यादा है नहीं. ओके, सो इट इज रिच इन स्पर्म लाइसिंस. स्पर्म लाइसिंस का मतलब क्या है? जो स्पर्म को छेद करने में मदद करेगा. ओके, इट इज रिच इन स्पर्म लाइसिंस. ये हो गया स्पर्म लाइसिंस. फाइन, तो उसमें कौन कौन सा है? नंबर ए, सबसे पहले क्या है? हायलुरोनिडेज. ओके, इट ब्रेक्स और डाइजेस्ट द हायलुरोनिक एसिड. ओके, या टिश्यू ग्लू दैट helps to join the cells of the corona radiata. समझ रहे हो? तो actually हमारे body में tissue glue होता है, gum, तो उसको हम क्या कहते हैं? That is called hyaluronic acid. Okay? तो ये उसको हजम करने में कौन मदद करता है? Hyaluronidase. It breaks that and rises the tissue glue that helps to join. Okay, that helps to join the cells of the corona radiata. Okay, तो उसको तोड़ दिया. अब number B, इसको कहते हैं corona penetrating enzyme. So now अब as the gum is broken, now we can penetrate the corona. Okay, so corona penetrating enzyme, so it helps to penetrate the corona and the sperm head reaches close to the zona pellucida. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सब सॉरी थी बताऊ को, ये सब आप पढ़ चुके होंगे. सो दैट इज कॉल्ड जोना लाइसिन. समझ रहे हो? जोना लाइसिन, इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा locally. Okay, and the sperm head reaches close to the ulna. समझ रहे हो? तो अब हमने उसको भी भेज दिया एंड चले गए कहां? उलमा के पास. अंडरस्टूड? समझे कि नहीं? चलिए. यस, तो ये सब आप पढ़ चुके हो बट आपको याद नहीं आ रहा. नाउ मेन चीज क्या है? आप तो देख रहे हो स्टेप वाइज हम पेनिट्रेट कर रहे हैं. एक को खोला, फिर दूसरे को खोला, फिर तीसरे को खोला, एंड सो ऑन. सो सबसे पहले हमने कोरोना वाला गम हटा दिया, इसका मतलब नाउ वी कुड रीच. ओके,
अब फिर हमने कोरोना रेडियाटा को अलग किया, ओके, फिर हमने क्या किया, अब उसके बाद हम क्या, नाउ लेट्स गो टू द मीटिंग, फाइन। तो अब यही चीज मैं आपको एक फोटोग्राफ में दिखा देता हूं। आ गया फोटो हमारा, देख रहे हो, तो दिस इज हाउ द स्पर्म इज एंटरिंग इनसाइड। तो आपने ये देखा होगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी में होगा आपका, है कि नहीं। सो हाउ द स्पर्म इज एंटरिंग इनटू द ओवम, क्लियर। चलिए, तो देख रहे हो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वो अंदर आ रहा है, ठीक है जी। नाउ वो जोना पेलिस्टिडा को पूरा फाड़ नहीं देता है, देख रहे हो। लोकल पंक्चरिंग का मतलब क्या है, ये देखो, लोकल पंक्चरिंग मतलब छेद करके घुस जाता है, फिर उसको सील कर देता है। नाउ अब सपोज बॉयज के लिए एक चीज जानना जरूरी है, सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल बट यू आर शाई, जैसे पुलकित है हमारा, वो थोड़ा शाई लड़का है, वो इतने सडनली अब्रप्टली बोल नहीं देगा कि आई लव यू, ना व्हाट, पुलकित इज देयर और नॉट, पुलकित कैन यू टेल आई लव यू, यस सर, बट सड, सपोज आप एक लड़की को लव करते हो, सडनली आप उसको आई लव यू बोल सकते हो ना, थोड़ा शर्मा हो गए, नहीं सर, बोल दोगे आई लव यू, ना सर, हाँ वही है ना, तो थोड़ा सा एक हिचक सा होगा, थोड़ा मुस्कुराहट सा होगा, थोड़ा थोड़ा ओ ऐसा होगा, बट माय डियर पुलकित, यू आर नॉट अलोन इन द रेस, शुभम इज देयर, संकल्प इज देयर, संस्कार इज देयर, पी इज देयर, रोहित राज इज देयर, एंड सो मेनी बॉयज आर देयर। तो भाई अगर पटा लिए तो इमीडिएटली उसे अपना लो, उसे सिंदूर दान दे दो, तो समझ रहे हो। तो सपोज एक लड़की के माथे में सिंदूर है, तो विल यू फॉल फॉर हर शुभम, नो नो, संकल्प, नो सर, इसका मतलब वो सेकेंड हैंड माल है, तो उसके पीछे क्यों पड़े, जस्ट लाइक दैट, तो समझ रहे हो। तो ता माने कौन, जब तक आप सिंदूर दान नहीं देते हो, कैन यू क्लेम दैट द गर्ल इज योर्स, बोलो, नो सर, नो, बिकॉज़ अरे उस लड़की को ऐसा पता चलेगा तुम उसको लव करते हो, तो इसलिए जैसे ही हो गए हो फटाफट उसे सिंदूर दान दे दो। एक बार सिंदूर दान दे दिए, फिर भी आजकल मॉडर्न लड़कियां हैं तो वो लोग क्या है, कौन हो तुम, ₹2 का सिंदूर दिया है, वो धो देगी एंड फिर माथा साफ कर लेगी, है कि नहीं। तो इसीलिए स्टिल आजकल जो कलयुग है, स्टिल बॉयज कैन रीच हर, तो देन व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट इट, पुलकित, उसका नामो निशान मिटा दो, ओके। सपोज आप उसका घर पहचानने में जो जो चीज यूज किए वो सब डिलीट कर दो। अब सपोज उसका घर का जो नंबर है, तुम जाओ और उसके वहां उसका वो नंबर प्लेट तोड़ दो या उठा के ले आओ, है कि नहीं, या उसमें कोई और नंबर लिख दो, ओके। तो इससे होगा क्या, सपोज संकल्प ऑल्सो नोज द एड्रेस ऑफ द गर्ल एंड ही इज चेजिंग, सपोज संकल्प भी भाग रहा है, तुम भागे, बट लकीली यू रीच फर्स्ट, सो यू गेव सिंदूर दान, बट स्टिल संकल्प इज ट्राइंग। तो इसलिए संकल्प उसे किसी तरह से मेस्मराइज ना कर दे, इसलिए उसके पहचान का नामो निशान मिटा दो। सो वॉट एवर हेल्प्स टू लोकेट हर यू डिलीट इट, ओके, उसे डिलीट कर दो, जाना उसे डिलीट कर दो, कोई शक। तो नाउ सपोज यू आर सर्चिंग दैट गर्ल इन अ पर्टिकुलर एड्रेस, तो अब तो वो एड्रेस नहीं है ना, तो हाउ विल यू रीच हर, समझ आया। सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। चलिए, सो दिस इज द स्टोरी। तो इसलिए आप जोना लाइसिन ने क्या किया, अब उसको कर दिया, तो
अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज, इसको हम लोग थोड़ा स्टेपिंग कर देते हैं ना। वो क्या लिखा था हमने, अप्रोक्सीमेशन 5A, इसको हम लोग लिख देंगे स्टेप 5B. ओके, तो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, स्टेप 5B या पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। ठीक है, तो उसका हम स्टेप 5B कर देते हैं, क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे क्या, स्टेप 5C, स्टेप 5C, इसको क्या कहते हैं, प्रिवेंशन टू पॉलीस्पर्मी। ओके, प्रिवेंशन टू पॉलीस्पर्मी, समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि कोई और स्पर्म उसे ना भेद पाए, उससे आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसीलिए इट इज इनिशिएटेड बाय द ओवम, बाय द स्पर्म एंड कंप्लीटेड बाय द ओवम। फुल स्टॉप। एज सून as the sperm head enters into the egg ooplasm, ooplasm क्या होगा, cortical reaction is stimulated, cortical reaction is stimulated, ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वेसिकल्स को हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। देख रहे हो, ये छोटे छोटे वेसिकल्स, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ओके, नाउ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसको हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स, मतलब सेल्यूलर लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। ओके, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर स्टिम्यूलेटेड टू एक्सोसाइटोसिस, आर स्टिम्यूलेटेड टू एक्सोसाइटोसिस एंड द मटेरियल इज रिलीज्ड, एंड द मटेरियल इज रिलीज्ड out of the ooplasm. It helps to repair the zona pellucida. It helps to repair the zona pellucida and make it impervious to other sperms. In animals, it is also referred to as the fertilization membrane. समझ रहे हो? तो इसको बहुत लोग fertilization membrane भी बोलते हैं. Do you understand? So ये हमारा concept है. In animals, it is referred to as fertilization membrane. ठीक है? तो ये आपका क्या हुआ, हमने अंदर से सील कर दिया, फाइन। अब तो नो मोर क्या, सो एंड मेक्स, एंड मेक्स इट क्या, एंड मेक्स इट इंपर्वियस टू अदर स्पर्म्स। तो इसलिए अब कोई और स्पर्म नहीं आ सकता। फैंटास्टिक, तो देख रहे हो, तो स्पर्म आते आते उसने क्या किया, अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी एग न्यूक्लियस के पास गया नहीं है, पर उसके मन में जो डर है कि कहीं कोई आ जाएगा, पहले उसने उसका सलूशन ढूंढ लिया। कोई शक? चलिए,
सो ओके, तो अब हम जाएंगे स्टेप 5D, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ द ओवम, समझ रहे हो? ये जो चीज है बहुत लोग भूल जाते हैं, कैपेसिटेशन या एक्टिवेशन ऑफ द ओवम। आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है, अरे अजीब बात है, तो आपका स्पर्म्स अकेला थोड़ी इनएक्टिवेटेड था, एग भी तो इनएक्टिवेटेड था ना, तो इसीलिए उसको भी एक्टिवेट करो। तो एज वी नो दैट द व्हाट द एग द ओवम हैज ए सेकेंडरी ओसाइट व्हिच इज इन विच इज अरेस्टेड इन, ओके विच इज अरेस्टेड इन कौन सा स्टेज, मेटाफेज टू स्टेज ऑफ मियोसिस टू, ओके याद है कि नहीं? As you know that the ovum has a secondary oocyte, तो ovum के अंदर क्या है, secondary oocyte है which is arrested in metaphase 2 of meiosis 2. Okay? So, it is also inactive at the time of fertilization. समझ रहे हो? तो वो भी inactive है. Okay? Meiosis 2, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, एमपीएफ, है कि नहीं? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमपीएफ, तो इसीलिए ना अब हमें, तो स्पर्म हेड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स, स्पर्म हेड also contributes MPF, IF and क्या APC, anaphase promoting complex, समझ रहे हो? हाँ दे यार दे, तो ये टाइम फाइन, तो अंडरस्टूड, तो स्पर्म हेड हैज व्हाट, बोलिए, तो स्पर्म हेड हैज एमपीएफ आईएफ एंड एपीसी, तो स्पर्म हेड आल्सो कंट्रीब्यूट्स एमपीएफ एंड एपीसी कॉमा इन एडिशन टू द न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रीपोल। पे हम लोग क्या जानते हैं कि स्पर्म हेड क्या क्या देता है, सिर्फ न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रीपोल, बट उसके अलावा ये और क्या देता है, सर एमपीएफ आईएफ एंड एपीसी, एपीसी, समझ रहे हो? तो ये भी देता है, सो एमपीएफ आईएफ इनएक्टिवेट्स एमपीएफ, ओके इनएक्टिवेट्स एमपीएफ एंड एपीसी स्टिम्युलेट्स, स्टिम्युलेट्स एनाफेज टू and hence restarts meiosis after a long wait. Now Sam, आपके जिंदगी में कब होगा? कुछ नहीं तो और मिनिमम 15 साल बाद।
एटलीस्ट 10-15 साल बाद, 15 साल मत करो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 10 साल चला लेंगे, ओके। तो 10-15 साल बाद ऐसा सैम सोचती है, फाइन। तो मतलब अराउंड 25 इयर्स, सो नाउ डू यू नो व्हाई वी कॉल इट अ लॉन्ग वेट? क्योंकि उसका पहला स्टेप हुआ था बिफोर वी वर बोर्न, बिफोर डिलीवरी, हां ओके, बिफोर डिलीवरी, देते पीते ना, बिफोर डिलीवरी, ओके। तो हेंस रीस्टार्ट्स मियोसिस, अब समझ रहे हो, आफ्टर लॉन्ग। तो देखो जेजेस का लिटरेचर में क्या है ना, मैं हर चीज लिख देता हूँ, मैं कुछ आपके अजम्पशंस के लिए नहीं छोड़ता। द प्रॉब्लम ऑफ बुक्स या आप लोगों के लेवल का बुक्स का है कि वो छोड़ देते हैं, तो ऐसा फिर बच्चों को समझना पड़ता है। यू नो ऑल योर बुक्स से मियोसिस इज कंप्लीटेड, यूजेनेसिस इज कंप्लीटेड, है कि नहीं, बोलो सैम। यस, तो ऑल योर बुक्स, ओके मामू को समझ रहे हो कि नहीं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, तो स्पर्म हेड जो है, फाइन, मैंने जनरली आप लोग के बुक्स में लिखा होता है यूजेनेसिस इज कंप्लीट, सो एंड हेंस रीस्टार्ट्स मियोसिस, समझ रहे हो। तो हम लोग को क्या लगता है कि मियोसिस तो फीमेल में कंप्लीट हो जाता है, पर हमने क्या देखा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इज ए रेयर इवेंट, ओके। तो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इज ए रेयर इवेंट, अंडरस्टूड। तो इसलिए एमपीएफ आईएफ इनएक्टिवेट्स एमपीएफ एंड एपीसी, स्टिमुलेट्स एनाफेज 2, एंड हेंस रीस्टार्ट्स मियोसिस after a long period, okay. Hence the egg also has to be activated or capacitated, tole pad jayi ko dekhe jo vegetable chamber, okay, has to be activated or capacitated. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट एक्टिवेशन सिर्फ स्पर्म का होता है, नो, इवन द एग आल्सो हैज टू बी एक्टिवेटेड, ओके, एग को भी एक्टिवेट करना पड़ता है, अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट, चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो अब क्या होगा, सो नाउ मियोसिस कंप्लीट होगा, ओके, नाउ मियोसिस is completed in the ovum and the secondary oocyte is now transformed into an oocyte, okay, is transformed into an oocyte. Into an oocyte. So meiosis is completed in the ovum, and the secondary oocyte, okay, is now transformed.